धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी सुमित जी इंसा भजन बोलने के लिए आ जाएं जी। जब इस सत्संग पंडाल से बाहर हैं तो क्या जल्दी आप प्रज्वलित पंडाल में आकर बैठें और जो यहाँ पर खड़े हैं सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी सुमित जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी पुरुषोत्तम जी इंसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा, उन्ने लवेगा नजारे जिन्ना चुक जावेगा। छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा, उन्ने लवेगा नजारे जिन्ना चुक जावेगा। छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा। तेरे कम तंदे झूठे ते है झूठा जग जी जोने, लग दे प्यारे ओने सारे ठग जी। जाना किसे भी ननाल कला दुख पावेगा, छड़ खुदी ते गुमान नहीं दे दुख पावेगा। गरीबी गल सोखी थोड़ी जी,
फल नीवे आनू लग दे जेकर चुक जावेगा छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा नाम जपन दी संता कोलो पुछ जुगती बिना नाम होई है ना होनी मुक्ती शासक नाम जी केंदे मन सुख पावेगा छड खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेगा लवेंगा नजारे जिन्ना चुक जावेगा छड़ खुदी ते गुमान नहीं दे दुख पावेगा धनन सतगुरु तेरा ही आसरा धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी पुरुषोत्तम जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सद से कस चसो अपना है बस सहारा घर अब यही हमारा शासक नाम अमरी माता शासक नाम हमरी माता शासक नाम पिता हमारा किससा न कोई प्यारा किससा न कोई प्यार था प्यार का कतरा दिल की बुझाने खाती तूने तो है बहाया एक प्यार का समंदर आधा कदम बढ़े आधा कदम बढ़े हम रखे कदम तो सारा इससा न कोई प्यारा शासक नाम हमरी माता शासक नाम पिता हमारा इससा न कोई प्यारा खोजे सभी दवारे देखा न तुझ सद्वार ओ पाया जो तेरा द्वारा मिट भरम देख सारा कहीं और नहीं है देखा कहीं और नहीं है देखा ऐसा कभी नजारा इससा न कोई प्यारा इससा न कोई
था प्यार का कतरा दिल की बुझाने खाती। तूने तो है बहाया एक प्यार का समंदर, आधा कदम बढ़े आधा कदम बढ़े रखे कदम हजारा, इससा न कोई प्यारा, इससा न कोई प्यारा। दिल की है बस तमन्ना ऐसे हंसाते रहना, इतनी सी आरज़ू है दिल से लगाते रहना। दुनिया भी सारी छूटे, दुनिया भी सारी छूटे, छूटे नजर तुम्हारा, इससा न कोई प्यारा। शाहत नाम हमरी माता, शाहत नाम हमरी माता, शाहत नाम पिता हमारा, इससा न कोई प्यारा। मांगे तुम्ही ते तुम तो गर हो सको हमारे, ओ मैं का बनाया तुमको खुले रखना द्वार सारे, तू रह के बच्चे का बाप से, तू रह के बच्चे का बाप से होता नहीं गुजारा, इससा न कोई प्यारा, इससा न कोई प्यारा। सर से कस छो, सर से कस छो, अपना है एक सहारा, घर अब यही हमारा, शाश्वत नाम हमरी माता, शाश्वत नाम हमरी माता, शाश्वत नाम पिता हमारा, इससा न कोई प्यारा, इससा न कोई प्यारा। धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। की जिंदगी दा जीना सतगुर दे प्यार बिना जी, सतगुर दे प्यार बिना सोने दिलदार बिना
पूरा दिसदा है निगाह रत्ती पर कमजोर नहीं। मैं सारी दुनिया देख ली तेरे वर्गा कोई होर नहीं। जीनू पूरा सतगुर मिल जावे ओनू रब लभण दी लोड़ नहीं। वाली की प्यारी सत्संग जी, सच्चे मुर्शिदे कामिल की प्यार मोहब्बत की चर्चा एक भजन द्वारा आपकी सेवा में रखते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे, मछली पानी बिना मछली पानी बिना जिए एक पल बिना जैसे। जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे, जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे। मछली पानी बिना मछली पानी बिना जिए एक पल बिना जैसे। जी तुझ बिन गुरु जी कैसे। सतगुरु जी प्यार तुम्हारा, सतगुरु जी प्यार तुम्हारा, हर पल हमें, हर पल हमें देता रहता है नशा निहारा। जी तुझ बिन गुरु तेरे चरणों का मालिक सहारा, तेरे चरणों का मालिक सहारा।
तेरा जग झूठा लगे, देश झूठा लगे, तू ही लगे सतगुरु जी प्यारा जी। कुछ बिन गुरु जी कैसे जिए, तुझ बिन गुरु जी कैसे। सदा प्यार तेरा ही मांगे, सदा प्यार तेरा ही मांगे, और कुछ ना चाहे, और कुछ ना चाहे, प्रेम तेरे में तन मन रंगे। तुझ बिन गुरु जी कैसे जी, तुझ बिन गुरु जी कैसे। मछली पानी बिना, मछली पानी बिना जिए एक पल बिना जैसे। नाद पे मस्त हो जाए, फिर नाद पे मस्त हो जाए, ऐसे प्यारे पिता, ऐसे प्यारे दाता, प्यार तुझसे जी हो जाए जी। तुझ बिन गुरु जी कैसे जिए, तुझ बिन गुरु जी कैसे। स्वाति बूंद बिन पपीहा मर जाए, स्वाति बूंद बिन पपीहा मर जाए, पपी है तरा, पपी है तरा, सतगुर प्यार तुझसे हो जाए जी। तुझ बिन गुरु जी कैसे जिए, तुझ बिन गुरु शुमा परवाना चांद चकोर, शुमा परवाना चांद चकोर, ऐसा प्यार पाके, ऐसा प्यार पाके, रू नाचे जैसे परिशों में मोर जी। तुझ बिन गुरु जी कैसे जी, तुझ बिन गुरु कैसे। मछली पानी बिना, मछली पानी बिना जिए एक पल बिना जैसे जी।
याद बिन पल जो भी जाए, तेरी याद बिन पल जो भी जाए, ऐसा पल दाता जी, ऐसा पल दाता जी सारी जिंदगी में ना कभी आए जी, तुझ बिन गुरु जी ऐसे जिए, तुझ बिन गुरु से शाश्वत नाम जी गुरु ने आरे, शाश्वत नाम जी गुरु ने आरे, चरण धूड़ तेरी, चरण धूड़ तेरी, दासन दास बना रहे जी प्यारे जी, तुझ बिन गुरु जी कैसे जिए, तुझ बिन गुरु जी कैसे, मछली पानी बिना, मछली पानी बिना जी एक पल बिना जैसे जी, तुझ बिन गुरु जी कैसे जी, तुझ बिन गुरु जी कैसे जी, तुझ बिन गुरु जी कैसे। एक मुरीद, एक शिष्य जो अपने सतगुरु अल्लाह ताला वाहिगुरु गॉड खुदा रब से बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसके लिए दोनों जहां उसके गुरु मुर्शिदे कामिल की पाक पवित्र चरण कमल है, उसके अंदर न मन की क्यों किंतु आती है, ना कोई मान बढ़ाई, ना कोई अहंकार, ना ऊंच नीच, उसके अंदर एक रस रहता है। वो क्या कहता है तड़फ के, हे मेरे सतगुर, हे मेरे मालिक, हर समय हर पल तेरे दर्श दीदार हूं, बस ऐसी निगाह बना दे। और भाग्यशाली वो जीव जो अपने सतगुरु मालिक के दर्शन करते हैं, पर मन बड़ा है भाग्यशाली, क्या पता किसको कब धोखा दे दे, क्या पता कब किसी को बुरा हाल बना दे, तड़फा दे, इस मन का भरोसा नहीं। पास होके भी ये बिगड़ सकता है और दूर होके भी संवर सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मन से लड़ोगे तो मन पे जीत हासिल करोगे, वरना मन बड़ों बड़ों को तिगड़ी नाच नचा देता है। और मन से बचने का एकमात्र उपाय है सुबह शाम लगातार किया गया सुमरन। सुमरन के बिना मन काबू नहीं आता। सत्संग सुनते हो आपका मन मालिक की तरफ लगेगा ही लगेगा। सत्संग सुनते हो मालिक से प्यार है, वो दिलो दिमाग में रहेगा ही रहेगा। लेकिन सुन के अगर अमल नहीं करते, नाम नहीं जपते, सेवा नहीं करते, बेगर्ज सबसे मोहब्बत नहीं करते और वचनों पे अमल नहीं करते, तो आपका मन आपके ऊपर हावी रहेगा ही रहेगा। मन का कुछ भरोसा नहीं, क्या पता कब किसी को दगा दे जाए। इसलिए मन के कहे ना चलो। अगर गुरु से प्यार है, अल्लाह राम से प्यार है, तो अपने जमीर की आवाज को सुनो। जमीर आत्मा, आत्मा की आवाज वो यही कहती है कि सदियां गुजर गई, युग बीत गए,
उस परवरदिगार के दर्शन नहीं हुए, तो अगर पूर्ण गुरु मिला, अंदर असीम शांति आ रही है, आनंद आ रहा है, तो डरने की क्या बात है। लगातार सिमरन में जुटा रहे, एक दिन मंजिले मकसूद पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो जिस तरह पानी को निकाल के देखिए, तालाब में देखा करते हैं आमतौर पे जोहड़ खाली करते, डिग्गियां खाली करते, गांव में पानी निकल जाता, बेचारी मछलियां जब बिल्कुल लास्ट में रह जाती तो वो तड़पती रहती और आखिर में प्राण त्याग देती। उसी तरह एक मुरीद अपने अल्लाह से, अपने सतगुरु से, मौला से कहता है, हे मेरे सतगुरु, मैं एक पल भी अगर तेरे बिना सोचता हूं, यानी अगर मेरे दिलो दिमाग में, अगर मेरे दिलो दिमाग में तेरी याद ना हो, एक पल तेरी प्यार मोहब्बत की दास्तां ना हो, तो मुझे लगता है वो पल मेरा आखिरी पल हो। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई क्षण ही नहीं गुजरता जिसमें तेरी याद ताजा ना रहे। हर समय तेरी मोहब्बत का जख्म ताजा रहता है, और जितना ये रिश्ता है, जितना ये बहता है, उतना ही तेरे पास लेके चला आता है। हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे सतगुरु साई, बस ऐसा नशा हमेशा चढ़ा रहे, तेरी याद में डूबा हूं और डूबता ही चला जाऊं, तेरी प्यार मोहब्बत में खोया हूं और खोता ही चला जाऊं, क्योंकि तेरे प्यार मोहब्बत में खोके ही सब कुछ पाया जा सकता है। तो शाह सतनाम जी गुरु निहारे, चरण धूड़ तेरी दासन दास बना रहे जी प्यारे, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, तुझसा ना देखा ना देखने की तमन्ना, ना कोई हो सकता है, इसलिए तेरे प्यार मोहब्बत में जिस तरह से तू चला रहा है, चलाता रहे, जिस तरह से चलाता आया है तूने चलाया, चला रहा है तू, चला रहा है, चलाएगा तू ही चलाएगा, क्योंकि तू ही कर्ण करावनहार है। सो हे मेरे मौला, हे मेरे साईं, मैं तो खाक हूं, मैं तो दास हूं, दासों का भी दास, गुलामों का गुलाम, बहुत ही नीचा हूं, पर हे रहबर तू इतना ऊंचा है, यहां से सब पे रहमो करम बरसा के अपने जैसा बना लेता है, तो अपने रहमो करम से अपने जैसा बनाए रखना, और खुशियों की बहारें सारी दुनिया पे लौटा दे। दुनिया में जो पाप जुलम सितम, जो बुराइयों का बोलबाला चल रहा है, हे मेरे रहबर साईं, तो ये बोलबाला मिटा दे। कैसे मिटाना ये तू जानता है, तू रहमो करम का मालिक है, तुझे कोई सुझाव दे, तुझे कोई अकल दे, ये तो बेअकली से बढ़ के बात है। इसलिए हे साईं, तू जान, तेरा काम जान, लेकिन इस समाज में, इस दुनिया में जो बुराइयां बुरी तरह से भरी हुई हैं, तू इन्हें दूर कर दे और सबको अपने प्यार मोहब्बत के नशे में चूर कर दे, ताकि इस धरती पे स्वर्ग जन्नत से बढ़ के निज धाम सचखंड बन जाए और दोनों जहां की खुशियों का हर कोई हकदार बन जाए। तो यही भजन में था जी। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से सुखचरण बात करना चाहते हैं, करो बेटा। हाँ जी, कितने ही दान दे रहे हैं सर जी? बेटा कितने ही सारे वालों नारा जी, मेरे हस्बैंड कितने ही जॉब पे है, उन वालों भी नारा मंजूर करना जी। जी बेटा। हाँ जी, कितने ही तुसी ठीक ठाक हो जी? बेपरवाह जी, रहमत है बेटा, तुसी दसो सिमरन करो बेटा, सिमरन करो, उथो दे जीवां नूं जोड़न दी कोशिश करो। फिर तो गल नहीं हो रही थोड़ी जी। आप जी दी मेहर नाल साडे सारे परिवार ने सिमरन कीता, रल के असि भी सिमरन कीता पिता जी। ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਸੀਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ
ਮਤਲਬ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਆਸਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ PR ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇਧਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਰਹੀ ਜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਚੰਨਣ ਖੇੜੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਨਣ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਏ ਬਾਈ ਜੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ 87 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰ 456 ਕੇ ਕਰੀਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਲਾਈਵ ਮਜਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਪਰ 482 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੀ ਦਾਦਾ ਮਿਸਾਜ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਇਨਮੇ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਇਨਸਾਂ ਭਾਗ ਇਨਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਇਨਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਖਵੀਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਨਸਾਂ ਬੰਗੀਦਾ ਕੇਸ਼ਵ ਇਨਸਾਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਮਾ ਮਜੋਕਾਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਸਵੀਰ ਚੌਹਾਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਇਨਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੋਪੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਗਾਮੋ ਇਟਲੀ ਇਕਵਾਲ ਇਨਸਾਂ ਬੰਗੀਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਬੀਜੋ ਇਟਲੀ ਰਵੀ ਦੱਤਾ ਲਤੀਨਾ ਇਟਲੀ ਔਰ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਸਟਨ ਅਮੇਰੀਕਾ ਅਜੀਤ ਇਨਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਮੇਰੀਕਾ ਰਮੇਸ਼ ਇਨਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਲਿਨ ਜਰਮਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰਿਚ ਜਰਮਨੀ ਅਨਿਲ ਇਨਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਗਗਵਾਨੀ ਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਲਬੋਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਿੰਦਾ ਇਨਸਾਂ ਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਡਨੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਇਨਸਾਂ ਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਣਕੌਰ ਇਨਸਾਂ ਸਾਥਵੇਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਇਨਸਾਂ ਅਜਮਾਨ ਸਿਟੀ ਦੁਬਈ UAE ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਇਨਸਾਂ ਸਾਥਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਾਮਾ ਸਿਟੀ ਦੁਬਈ ਡਾਕਟਰ ਚੰਚਲ ਸ਼ਾਵੜਾ ਰਾਜੂ ਇਨਸਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾ ਦੁਬਈ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨੀਲਾ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਕਲਪਨਾ ਇਨਸਾਂ ਵੇ ਦੀਪਕ ਇਨਸਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਧਰਮਵੀਰ ਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਨਦੀਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਇਨਸਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀਦਾਸ ਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਮਿਗਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮੋੜੀਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਮਿਗਲ ਸਕੂਲ ਬੁਧਨੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮਾਰੇ ਭਾਰਤ ਮੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਪੀ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੜੌਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਕਲਕੱਤਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਮੰਗਲੂਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਾਂਗਲੀ ਪੁਣੇ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੇਨਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਰਲਾ ਔਰ ਗੋਵਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਸੰਗ ਬੈਠੀ ਸਭ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਬਚਨੋ ਵੀ ਪੱਕਾ ਰੱਖੇ ਆਗੇ ਬੜੋ ਮਾਲਿਕ ਦਿਆ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਸੇ ਨਵਾਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਸ਼ਰਮ ਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਾਮੋ ਕੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਬਹ ਸੇ ਲੇਕੇ ਰਾਤ ਮੇ ਤੱਕ ਘਰ ਮੇ ਖਾਣਾ ਜੋ ਬਣਤਾ ਸੁਮਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਘੰਟਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰ ਕਰੋ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੱਖੋਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਚ ਆਪਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੋ ਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਕਾ ਖਿਆਲ ਸਿਮਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਮਰ ਕਰੋ ਯਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ ਦਵਾ ਲਓ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਸਿਮਰ ਕਰੋ 40-40 ਸਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਜੋ ਆਤਾ ਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਸ਼ਾਸਤਰਾਮ ਜੀ ਗਿਣਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ 8 ਬਹਿਣੇ 4 ਭਾਈ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦੀਜੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੀਜੀਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਲਗਾਏ ਭਾਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ
बुकल जी जिनारा नहीं लाई दा दब के लाई दा जी बैठ जाओ आशीर्वाद। तो घर जाने की आज्ञा लेनी है, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 16 दिन, 25 दिन, 38 दिन वाले खूनदान भी किया एक भाई ने, जस्सी बाग वाली से सेवादर भाई 60 ट्रालियां बनचटी लेके आए हैं कल कड़ा मोगा तो 20 सेवादर भाई पैना 4 दिन सेवा करके जाना। खड़े हो जाओ जी सारे सेवादर। सो जो सेवा करके जा रहे हो बेटा, जितनी सेवा की उससे बढ़ चढ़ के माल के दिया मैं रहमत से माला माल करी, और जो बनचटियां लेके आयो बेटा आपको परिवारों को सारे सेवादारों को कहना कि पिता ने आशीर्वाद भेजा है, मालिक खुशियों से नवाजे, घर के लिए प्रसाद लेके जाना और सबको कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, मालिक सबको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद जी प्रसाद दे दे दोनों तरफ, घरों के लिए भी ले जाना आशीर्वाद। बैठ जाओ बेटा। बीमार वे बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, यहां कोई बीमार है या घर में कोई मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद दे दे, प्रसाद लीजिए दवाई, आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा जहां 3 हॉस्पिटल गुरु सर मुझे दवाई ले लो जा राय ले लो, पर जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सिमर करना है, कैंसर जो लाइला जो दिन रात मालिक का नाम जो फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला भगवान मालिक का मानना आपने है। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई जरा खड़े हो जाइए, 3 परहेजों में पहली बार गलती हुई अपनी जगह पे खड़े हो जाओ जी। तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, अपनी जगह खड़े हो जाए, आशीर्वाद आपकी तरफ आए उससे पहले पहले आशीर्वाद, पहली बार जिनसे गलती हुई खड़े हो जाओ, खड़े रहो आशीर्वाद, खड़े रहना है आशीर्वाद, जोर से नारा लगा के बैठ जाइए जी, मालिक आपको माफ करेंगे, बैठ जाओ, आइंदा वचनों में गलती ना करना, सुमरण करना, सुमरण करोगे तो फिर से गलतियां की माफी मिल जाएगी और कभी ना गलती करने का मालिक ताकत भी देगा और दया में रहमत के काबिल बनोगे। गलती से नाम सुन लिया, नाम बता दिया, ग्रीनेस की मीटिंग में नहीं आए, लॉकेट गुम हुआ, कम नजर वाले कैबिन में बैठी, नजरें कमजोर हो गई भाइयों की तरफ, तो नारा लगा दीजिए मालिक माफ करने वाले हैं, सिमरन कीजिए मालिक माफ करेंगे। सेवा का स्पेशल प्रसाद जो सेवा सुबह 7 से 10 बजे तक सारी सारी रात सेवा करते हैं जी, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। यूथ वेलफेयर फेडरेशन भाइयों द्वारा आज हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में बावेन ऊंटसाल तथा पंजाब में जलालाबाद बागा पुराना पटियाला जिला के गांव नरवाणा दीवानगढ़ में वैश्यावर्ती कन्या भ्रूण हत्या नशा विरोधी समलैंगिकता उन्मूलन में किन्नरों के उत्थान के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। बागा पुराना में विधायक दर्शन सिंह बराड़ ने फेडरेशन के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए पूजा गुरु जी द्वारा चलाई गई यह मुहिम बहुत ही सराहनीय है, उन्होंने कहा कि इन बुराइयों के खात्मे के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास करने के अलावा आमजन को भी जागरूक करना होगा। बावेन में तहसीलदार साहब ने यूथ वेलफेयर फेडरेशन को हर प्रकार से सहयोग देने की बात की, उन्होंने कहा कि पूजा गुरु जी का आवाहन फेडरेशन का प्रयास एक दिन अवश्य समाज में परिवर्तन लेके आएगा। कुछ सेवादार लाइव पे बैठे हैं जी, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, जो भी सेवादार आप लाइव पे बैठे मालिक खुशियां बख्शे आशीर्वाद। अब है यूथ वेलफेयर फेडरेशन महिला विंग ने, आप सब बच्चे अगर इधर आए हैं कुछ नौजवान यूथ वेलफेयर फेडरेशन वाले शायद वो तो बाहर उसी पे हैं नेट पे। यूथ वेलफेयर फेडरेशन महिला विंग ने नशे भ्रूण हत्या वैश्यावर्ती समलैंगिकता के खिलाफ और किन्नरों का पुनरुत्थान कल मिठीपुर अजोता व लावड़ मेरठ में, आज रूपू माजरा सरंगा व सड़कपुर अंबाला टीटू खेड़ा व भंबूर सरसा जयसिंहवाड़ा मेहता बठिंडा गहावदा व भिंद्रा संगरूर पलेड़ी व बराना पानीपत पंडारसी रूपनगर मलिकपुर गुमटी व गराड़सी कुरुक्षेत्र भिवानी में तथा भिवानी में रैलियां निकाली, इस प्रकार आज 17 रैलियां निकालेगी। शाबाश बच्चों, शाबाश बेटा, शाबाश, गजब कर रहे हो भाई। भंभूर में सरपंच के भाई ने कहा हम फेडरेशन का बहुत धन्यवाद करते हैं, वे आपके गुरु जी के बहुत आभारी हैं, जो काम धार्मिक और सरकारी लीडरों को करना चाहिए वो काम आप लड़कियां कर रही हैं, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो जी बेटा। टीटू खेड़ा बलवीर सिंह पूर्व सरपंच का हमें बहुत खुशी है, जो आप बहनों ने यह मुहिम चलाई इससे नशे बंद होंगे और लोग जागरूक होंगे। संगरूर गांव के लोगों को ऐसी रैलियों की जरूरत है, वो अनपढ़ उन्हें समझ नहीं आता, ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि सरकार की कदम नहीं उठाती, नशे तो ये बिकवाती है। कुल मिलाकर रैलियों का लोगों ने बहुत सराहा, वैश्यावर्ती समलैंगिकता के विरुद्ध लोगों ने बढ़ चढ़कर हस्ताक्षर भी किए जी बेटा। शाबाश, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको, बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे, घरों के लिए प्रसाद ले लेना, खुद भी खाना सवार परिवारों को देना, मालिक बहुत रहमो करम से नवाजे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, बैठ जाइए, प्रसाद ले लीजिए बाद में। अब वो परिवार है जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है, जिनका नाम बोला जाए, खड़े हो जाना जी। लखुआना सरसा से इनके पिताजी नाम लिया तो 78 साल, और नेत्रदान भी किए हैं, नेत्रदान महादान, और उनकी याद में दिंदु की मध्य बैंक में 5100 रुपए जमा करवाए हैं जी। आशीर्वाद, खड़े हो जाओ जी, खड़े रहना। मुढ़ाल खुर्द विभाणी से इनके माता जी नाम लिया तो 75 साल परिवार है, खड़े हो जाए। सुलर संगरूर तो इन्होंने माता जी नाम लिया से 90 साल परिवार दोनों पास खड़ा हो जाए। बठिंडा पंजाब तो इन्होंने पिताजी नाम लिया से 75 साल परिवार दोनों पास खड़ा हो जाए।
तो बेटा जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आयो तो कहीं भी आपका खुद का खेत है तो गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, क्योंकि ये तो मिट्टी है। आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है जी। तो प्रसाद ले लीजिए, भगवान आपको हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे, प्रसाद ले लीजिए। और मालिक ताकत देने वाले हैं, इधर भी प्रसाद लीजिए और प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका आश्रम सत्संग में आश्रम में चल के आई सत्संगत को बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया नुकसान दी कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना जी, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का तो समय साधन के अनुसार जा सकते हैं। रहने का विचार जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है। पर आप में से अगर कोई प्रसाद लेके आया है या कोई भी ऐसा की आशीर्वाद लेना तो बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए। प्रसाद घरों में खुशियां दिखी, और गाड़ी वगैरह है जो है आराम से चलाएं, पेन है लगन से याद कीजिए, लिखाई कीजिए, और मोटरसाइकिल है तो हेलमेट रखें। विवाह शादी सुख सुविधा से संपन्न हो, गृह प्रवेश नारा लगा के जिस दिन मर्जी और जिस टाइम मर्जी कर लीजिए। बेटा बेटी अगर आपके हुआ है तो मालिक से दुआ है वो नेक अच्छा इंसान बने, और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। आशीर्वाद नीचे कर लीजिए। तो अब थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।